लंदन के इलाके स्लॉग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िमनी इंतखाबात में शानदार कामयाबी के बाद मकामी रहनुमाओं की जानिब से तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें मिठाइयाँ तकसीम की गईं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से जनरल इलेक्शन में शिरकत की पुरजोर अपील की गई। इस मौके पर मकामी रहनुमाओं जाहिद राजा और रोमी मलिक की जानिब से दुनिया भर में PDI के कारकुनान को मुबारकबाद दी गई। रिपोर्ट करेंगे वसीम काजमी। लंदन के नवाही इलाके स्लॉ में तहरीक इंसाफ के ज़िमनी इलेक्शन में वाज़े बढ़तरी की खुशी में एक तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें रूमी मलिक, वकास अहमद, वजाहत अली खान, साबिक मेयर स्लॉ राशिद बट ने शिरकत की और तकरीब के मुंतजिम मकामी रहनुमा जाहिद राजा का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इस खुशी के मौके पर स्लॉ में मुकीम कारकुनान को जमा किया और इमरान खान के हाथ मजबूत करने का अहद किया। मुकर्ररीन ने कहा कि तहरीक इंसाफ आने वाले आम इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत से एक बार फिर इक्तदार में आएगी और इमरान खान दोबारा वजीर आजम पाकिस्तान बनकर मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे। पंजाब में इलेक्शन हुए हैं और PTI बड़े ज़बरदस्त तरीके से जीती है। मैं अपने सब PTI जो भाई हैं, बहनें हैं और UK में और पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में जहां भी हैं, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। कल की जीत से ये सामने आया है कि जो इमरान खान का बयानिया है वो लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है। और वैसे तो जलसे बड़े होते थे और लोग कहते थे कि जलसे होते हैं लेकिन वो वोटों में कन्वर्ट नहीं होते, लेकिन इस दफ़ा आप सबको ये मैसेज गया है कि ये जो जलसे बड़े हो रहे हैं इसमें वोटों में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। तरीके इंसाफ अब बड़ी मेजॉरिटी में कामयाब हुई है और अगले जनरल इलेक्शन में भी इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा मार्जिन में ये काम जो होंगे और फुल इनकी हुकूमत होगी और ओवरसीज़ लोगों के लिए ये ज़रूर बर ज़रूर काम करेंगे। हमारी भी रिक्वेस्ट है आप लोगों की विश्वास से, मैं आने वाली गवर्नमेंट को, आप तो गवर्नमेंट हमारी पक्की है इंशाल्लाह ताला, आने वाली गवर्नमेंट की यही रिक्वेस्ट करूंगा, रूमी साहब से भी यही बात हो रही कि ओवरसीज लोगों के लिए कुछ होना चाहिए। पाकिस्तान में एक वाहिद जमात है जो चारों सूबों की जमात है, तो इंशाल्लाह आने वाले जो इलेक्शन जनरल इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत के साथ लोग इमरान खान को वोट देंगे और दोबारा उनको वजीर आजम बनाया जाएगा। साबिक जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ बरतानिया रूमी मलिक ने इस मौके पर हाजरीन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान के बयानी का खैर मकदम करते हुए अपना फैसला सुना दिया है। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूं उन वर्करों को जिन्होंने इतनी सख्त गर्मी में इस फाशिस्ट हुकूमत का मुकाबला किया और अपने वोट की पैरादारी की, क्योंकि ये धांधली के मास्टर थे नून लीग वाले और हमेशा इनका काम ही यही है रात को रिजल्ट चेंज करना, लेकिन वर्करों ने इस दफ़ा तैयार किया हुआ था कि हम लोगों ने अपने वोट का पैरा देना है और किसी किस्म की धांधली नहीं होने देनी। मैं तमाम उन लोगों को मुबारकबाद अगेन दे रहा हूं जिन लोगों ने रात दिन कोशिश की और इमरान खान साहब का बयानिया जो है वो कामयाब हुआ कि पाकिस्तान की आवाम अब गैर मुल्की इशारों पे नहीं चलेगी। तकरीब में खुसूसी तौर पर तहरीक इंसाफ की कामयाबी के लिए दुआ की गई और आखिर में मिठाई तकसीम करते हुए इस बात का इजहार किया गया कि ओवरसीज के वोट और हकूक पर तहरीक इंसाफ की आइंदा हुकूमत काम करेगी। वसीम काजमी, CNN News, लंदन।